और गैस कैसे हो यार सभी लोग। यार तो आज मैं टेस्ट करने वाला हूँ राइजन 5 3500 यू और उसका ग्राफिक वेगा 8 को। तो यार ये जो ग्राफिक है ना अपने लैपटॉप के लिए काफ़ी चीप प्राइस में आता है और काफ़ी बेस्ट है यार। इसमें आप हर तरह की गेम खेल सकते हो। तो मुझे ये टेस्ट करना था कि GTA 5 आप ढंग से खेल सकते हो कि नहीं। आपने बहुत से वीडियो में देखा होगा GTA 5 लोग खेलते हैं और ठीक ठाक खेल लेते हैं। आपने देखा हो 180p के ऊपर उनको 45 to 50 FPS मिल जाता है, लेकिन भाई ये सच्चाई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिलता भी है लेकिन नहीं भी मिलता। अब आपको ये पता चलेगा आपको ये वीडियो एंड तक देखने में। तो यार भाई जो है मैंने अभी जो अपना रेजोल्यूशन जो है 180p पर सेट कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप को 180p पर चलाने में काफ़ी दिक्कतें होती है। जो कि आपका मिड रेंज का लैपटॉप हो गया, जैसे आपका आसूस बुक 14 जो हो गया, वो भी आपका मतलब राइजन 5 3500U के साथ आता है, तो आपको पता ही होगा ये सब चीज़ों के बारे में। और जो मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ वो है अपना वीता पूरा राइजन 5 3500U, जो कि फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाता है बड़े आसानी से। और अभी जो मैं रेजोल्यूशन है 180p पे कर रखा हूँ, तो आप देख रहे होंगे वीरेम जो है हमारा 1 GB के आसपास ले रखा है लैपटॉप ने, गेम ने, लैपटॉप ने नहीं गेम ने ले रखा है। तो आप देख सकते हो गेम हमारा काफ़ी डिसेंट चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। अब वो क्या लगता है कितना FPS होगा? मैंने FPS मीटर नहीं लगा रखा इसलिए इसमें यहाँ पर थोड़ा सा लैग हुआ। और मैं गाड़ी बैठूँ तब आपको पता चलेगा कि क्या FPS है क्या नहीं, क्योंकि जब गाड़ी स्पीड में चलती है तब FPS काफ़ी ड्रॉप होता है, तो उस वक्त आपको पता चलेगा। नॉर्मली देख सकते हो गाड़ी तो अपना नॉर्मल स्मूथ चल रहा है, बट मैं आपको FPS बता दूँ, ये FPS लगभग से 35 FPS से लेकर 25 FPS के बीच में है। ठीक है, अभी मैं अगर आपको एग्जैक्ट बताऊँ तो अभी ये 30 FPS से 28 FPS के बीच में है। अब आपने बहुत से रिव्यू में देखा होगा कि सेम लैपटॉप में जो है 180p रेजोल्यूशन पर आपको लगभग से लगभग नहीं तो नहीं 40 FPS से 50 FPS देता है। अब ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि अपना जो राइजन 5 3500U है, अगर ये अपना लैपटॉप का प्रोसेसर है तो ये अगर हीट होगा ना, तो हीट होने पर जो है अपना परफॉर्मेंस डाउन करता है। ठीक है, तो अगर वो जब रिव्यू बनाते हैं तो वो आपको देखो क्या करते हैं, वो जो है अपना गेम जो है लैपटॉप निकाले, लैपटॉप बिल्कुल ठंडा होता है, गेम अपना ओपन किए, ओपन करने वाला रेजोल्यूशन जो है अपना 180p पे किया और फटाफट से गेम 10-5 मिनट खेल कर रिकॉर्ड कर लिया, तो उस वक्त पे जो गेम प्ले जो है वो आपका 180p पे आपको लगभग से 40 FPS से 50 FPS पर देता है। तो आप सोचते हो कि भैया काफ़ी अच्छी FPS दे रहा है यार मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको एनी टाइम ऐसा FPS नहीं मिलने वाला है। आपको अगर उतना FPS चाहिए तो आपको सेटिंग्स चेंज करना पड़ेगा, तो एनी टाइम उस टाइप का FPS नहीं देता, वो एक तरह से देखा जाए तो फेक वीडियो होती है। आपको नॉर्मली अगर आप नॉर्मल डे पे अगर आप इसको गेम को खेलोगे डे टू डे लाइफ में, तो आपको पता चलेगा कि भाई उतना FPS बिल्कुल नहीं देता है, ये आपको आसपास देता है 30 FPS 180p पे। और अगर आपका लैपटॉप जो है काफ़ी ज़्यादा हीटअप करता है तो आपका और ज़्यादा मतलब जो है परफॉर्मेंस गिरता भी है, कभी कभी ऐसा होता है। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप अगर अपने लैपटॉप के नीचे फ़ैन यूज़ करते हैं कि नहीं, क्योंकि आपका एक फ़ैन आता है 400-500 रुपये का, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो आपका जो FPS है ना काफ़ी हद तक बूस्ट रहेगा। लेकिन जो आप अपना GTA 5 180p पे 40 से 50 FPS नहीं देने वाला है, स्टार्टिंग का देगा लेकिन डाउन हो जाएगा, लेकिन अगर आप नीचे फ़ैन यूज़ करते हो तो काफ़ी हद तक स्टेबल रहेगा अपना FPS। और अभी जो मैं रेजोल्यूशन जो 720p पे सेट कर रखा हूँ, आप देख सकते हो अपना 720p पर हो गया, तो अब देखना 720p पर कैसा चलता है। तो जो अपना 720p पे जो अपना गेम है काफ़ी स्मूथ है। अरे यार ये क्या हो गया भाई, सब ठोक दिए यार कोई बात नहीं इग्नोर। तो भैया जो अपना 720p पे है ना अपना गेम काफ़ी प्लेबल है, काफ़ी मतलब स्टेबल FPS होता है, लगभग से लगभग आपको यहाँ पे जो है ना 40 FPS देता है। 40 FPS कब देता है, जो आपका लैपटॉप हीटअप भी रहता है ना तब भी 40 FPS जो आपको मिल जाता है ना, 40 FPS आपको मिलता है। 180p पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको 180p से काफ़ी बेहतर मिल जाता है एक्सपीरियंस 40 FPS के आसपास, लेकिन ये भी 40 FPS एनी टाइम नहीं रहता है। अगर आप लैपटॉप हीटअप करते हो तो ये भी 30 तक जाता ही जाता है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊँ तो 35 से 40 FPS के बीच में है। और अभी जो है मेरा, मैं जो गेम टेस्ट कर रहा हूँ तो मैंने लैपटॉप को हीट भी कर रखा है, क्योंकि मैं पहले से भी गेम खेल रहा था, एक दो मिशन कर रहा था, तो अपना लैपटॉप काफ़ी हीट हो चुका है। तो ये जो बेंचमार्क है काफ़ी मतलब ओरिजिनल बेंचमार्क है, रियल बेंचमार्क है, ये नहीं कि मैं बस गेम को मतलब नॉर्मली निकाला अपने बैग से और चालू कर दिया, गेम जो है अपना नॉर्मली अच्छा चल रहा है और FPS भी काफ़ी दे रहा है, क्योंकि अपना जो लैपटॉप है हीटअप नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं, अपना लैपटॉप काफ़ी हीटअप है। तो इस वजह से जो है अपना ये ओरिजिनल 720p है, तो 720p अपना काफ़ी लेवल है, काफ़ी बेस्ट है। मैं तो सबको बोलता हूँ अपना GTA 5 720p में खेलो, 720p सबसे बेस्ट है। इवन मैं अपना गेम प्ले रिकॉर्ड भी करता हूँ ना तो 720p के आसपास ही करता हूँ, लेकिन अगर आपको चाहिए बेस्ट एक्सपीरियंस, बिल्कुल चाहिए वो 60 FPS का एक्सपीरियंस,
तो आपको जो है और नीचे जाना पड़ेगा, अपने रेजोल्यूशन को जो है और नीचे करना पड़ सकता है। बहुत से लोग ये चीज़ नहीं करेंगे, जैसे मैं भी नहीं करता हूँ, मैं भी अपने रेजोल्यूशन को हमेशा 720p के आसपास ही रखता हूँ, मैं नीचे नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आपको अगर अचीव करना है 60fps तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको फटाफट से थोड़ी सी नीचे रेजोल्यूशन करके दिखाता हूँ कि अपना जो है ना GTA 5 कितना देगा FPS। तो भाई मैंने जो है अपना जो रेजोल्यूशन है 600p पे कर लिया, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा जो अपना गेम है स्ट्रेच दिखता है। तो ये वीडियो में कुछ ज़्यादा ही फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन अगर आप गेम खेलते हो तो आपको उतना नहीं दिखता है भाई, आप गेम में जब घुस जाओ तो नहीं दिखेगा। तो ये जो FPS लगभग से लगभग 50fps है, 55fps है। इवन अभी मेरा जो लैपटॉप है ना काफ़ी हीटअप है, तो इस वजह से FPS थोड़ा कम है। इवन आपको 60fps देने लगेगा अगर मैं थोड़ा सा अगर लैपटॉप को ढंग से अगर यूज़ करूँ। जैसे मैंने अभी नीचे कुछ नहीं रखे हुए, मैं बस अपने बेड पर लैपटॉप को रखा हुआ हूँ, तो नीचे से जो हवा भी है ना अंदर नहीं जा पा रहा, बाहर नहीं निकल पा रहा है मतलब। तो जो अपना फिर भी अपना 55fps आसपास 50-55 दे रहा है, 60 भी देता है मतलब। इस हालत में अगर आप इसको ढंग से रखोगे तो ये अपना जो है 60 देगा। तो 60 में जो अपना एक्सपीरियंस GTA 5 के साथ भाई बहुत ही मक्खन रहता है, मज़ा आ जाता है 60 के साथ। आप समझ सकते हो 60 के साथ ही गेम का मज़ा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत जो है ना गाड़ी वाड़ी ठोकता हूँ ताकि जो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा जो है लैग हो। तो इधर मुझे 3 स्टार लग चुके हैं और पुलिस वाले भाई पीछे पड़े हुए हैं। तो इस तरह से जो है ना काफ़ी ग्राफिक में फ़र्क पड़ रहा है, तो उस हिसाब से भी काफ़ी अपना FPS सही दे रहा है, मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। अपना गेम जो है काफ़ी स्मूथ है, अपना जो एनिमेशन है काफ़ी क्लीन जा रहा है बिल्कुल। आपको शायद वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं सामने से लैपटॉप को देख रहा हूँ तो काफ़ी मुझे क्लीन दिख रहा है। मैं मतलब काफ़ी इस गेम को खेला हूँ तो इस वजह से मैं पता कर सकता हूँ कितना FPS है, मुझे पता है ये बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, 55-50 FPS के आसपास है। तो यार ये जो है ना अपना काफ़ी एक्सपीरियंस बेस्ट है यार। अभी देख रहे हो काफ़ी मतलब बूम बाम इधर हो रहा है, पुलिस वाले भी पीछे पड़े हुए हैं यार, मतलब प्लेन लेके आ गए मेरे ऊपर, हेलीकॉप्टर लेके आए हुए हैं। और मैं वापस से 720p पे कर लिया हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ आपको। तो 720p पे देख सकते हो अपना जो है ना स्ट्रेच जैसे हुआ था 600p पे वो चीज़ नहीं है, और ग्राफिक भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो यार इस ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, मैं इस हिसाब से बोलूँगा आपको बेस्ट है मतलब ये 720p। आपका 600p भी अच्छा अगर आपको चुपचाप से गेम को खेलना है, बस आपको बस स्टोरी कंप्लीट करना है, गाड़ी वाड़ी उड़ाना है, फुल एकदम जो स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए, एकदम लगे कॉन्सोल लेवल खेल रहे हो मतलब, तो यार उस टाइप में आपको सही है अपना जो 600p है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भैया जो है ना अपना ग्राफिक भी अच्छा दिखे, गेम भी डिसेंट चले, तो 720p ऑल गुड यार, सब चीज़ में बेस्ट है यार, सब चीज़ में सही है अपना 720p। तो यार मैं भी 720p में ही खेलता हूँ ज़्यादातर, आपने देखा होगा मैंने गेम प्ले भी डाल रखा है, तो 720p के ऊपर ही डालता हूँ। तो ये आपके ऊपर है, आपको इसमें से कौन सा रेजोल्यूशन बेस्ट लगता है। और ग्राफिक की बात की जाए तो ग्राफिक ज़्यादा हाई मत करो, क्योंकि फटाफट से आपको पता ही होगा ये ज़्यादा से ज़्यादा VRAM लेने लगता है, तो ग्राफिक हाई करने का कोई मतलब नहीं है। रेजोल्यूशन उससे बढ़िया आप ज़्यादा हाई करो तो बेटर है, रेजोल्यूशन में ही सही है। 180p पे भी आप कर सकते हो, 180p पे भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है 25-30fps के बीच, अगर आप उतना FPS खेल लेते हो तो। मुझे पसंद नहीं, मुझे कम से कम 35fps चाहिए। ये चीज़ों को देखते हुए मैं 720p पे रखता हूँ अपना रेजोल्यूशन। 720p पे ग्राफिक और FPS डिसेंट मिल जाता है, जो कि मैं गेम खेलने में मुझे एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाता है, इस वजह से मैं 720p में रखता हूँ। और आप कितने पे रखते हो और इस वीडियो के बाद आप कितने पे रखोगे आप बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। मैं मिलता हूँ ऐसी कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखो।